ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक के। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे ये जितने सारे वीडियोज मैं बना रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप जल्दी ही जल्दी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका था स्टेप बाय स्टेप, कंपनी बनाने के बाद लाइसेंसेस बनाने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो आपको मैं बताया था इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल से क्लासिफाइड वेबसाइट है उसमें आपको रजिस्टर करना था, और उसके बाद वर्ल्ड का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल से अलीबाबा के साथ, और यूरोपियन कंपनी यूरोपियन कंट्रीज़ का जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स के ऊपर बताया था मैंने, तो टोटल भारत का 20 और वर्ल्ड का 20 टोटल 40 B2B ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको कंपनी को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको सर्च करना है हु आर द बायर्स, कौन बायर्स है, कौन इम्पोर्टर्स है आपका प्रोडक्ट का। वैसे ही आज का टॉपिक में मैं बताऊंगा वर्ल्ड का टॉप करीब 50 बिजनेस लिस्टिंग साइट है अमेरिका एंड यूके एंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जितने सारे वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज है, आई मीन इम्पोर्टिंग कंट्रीज है, उनका जितने सारे बिजनेस लिस्टिंग साइट से आपको उसमें पर वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका कंपनी को रजिस्टर करना है। तो वर्ल्ड का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स 20 पहले बता चुका था अलीबाबा के साथ, और इंडिया का 20 ये अभी बता रहा हूँ वर्ल्ड का टॉप बिजनेस लिस्टिंग साइट है जहाँ पर वर्ल्ड का टॉप कंपनीज इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स बायर्स आकर रजिस्टर करते हैं बिजनेस के लिए। तो एक साइट में आपको क्या करना है मैं आपको आगे लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, या जैसे आपका कंपनी बन जाता है आपको इस साइट में रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपको कंपनी को ऐड करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ जितने सारे वर्ल्ड का टॉप 20 टॉप 40 एबव बिजनेस लिस्टिंग साइट्स है वहाँ पर आपको जाकर लिस्ट करना है। पहले मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाकर आपको लिस्ट करना है। तो ये आप कंप्यूटर लैपटॉप में या आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिया, तो आपको क्या 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 करना है, आपका वेबसाइट रेडी होना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ आपका अलग अलग B2B ट्रेड पोर्टल्स और क्लासिफाइड साइट्स वर्ल्ड का और इंडिया का जितने सारे हैं वहाँ पर रजिस्टर करने से पहले आपको कंपनी का वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनाने के बाद ईजी होगा, क्योंकि अगर वेबसाइट नहीं बनाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट होगा कंपनी का प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। इसलिए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको वेबसाइट बना लीजिए, जैसे ही लाइसेंस वगैरह रेडी हो जाता है आपको वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट में आपका पूरे प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस को ऐड कर लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ट्रांसलेशन ऑप्शन रखिए ताकि ईजीली वर्ल्ड वाइड जितने सारे बायर्स है इम्पोर्टर्स है ईजीली आपका साइट में विजिट करके ट्रांसलेशन के जरिए उनका खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे ऑनलाइन पेमेंट करके आपसे बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपको रजिस्टर आप कंपनी बनाने के बाद लाइसेंसेस मिलने के बाद आप पहले आपका वेबसाइट बना लीजिए। तो जितने सारे वेबसाइट बता दिया बिजनेस लिस्टिंग साइट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें वन बाय वन साइट को आपका कंपनी आपका कंप्यूटर लैपटॉप में उसको लॉगिन करके ओपन करिए, और हर एक साइट का टॉप राइट कॉर्नर में लिस्टिंग का ऑप्शन है, लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करके आपका कंपनी का नाम, आपका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, आपका वेबसाइट, ईमेल आईडी सब कुछ ऐड कर लीजिए, और आपका कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो ऐड कर लीजिए और वेबसाइट को ऐड कर लीजिए। ऐड करके उसको सबमिट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो ईमेल आईडी में आपने रजिस्टर करते हो वो ईमेल आईडी आपका पासवर्ड वगैरह आपके पास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उसी ईमेल आईडी में जितने सारे इंक्वायरीज आएगा उसमें आएगा। तो इसीलिए आपका जो जीमेल आप यूज़ करते हो वो जीमेल पर्सनल जीमेल यूज़ कर लीजिए। तो रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, ये जो टॉप वर्ल्ड का टॉप 50 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स है इसी साइट में बड़े बड़े कंपनीज बायर्स ट्रेडर्स इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स लोग आते हैं, कंपनी जाते हैं, कंपनीज का की पर्सन आके इन्हीं साइट में रजिस्टर करके सर्च करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी सर्च करते हैं। तो कुछ भी प्रोडक्ट में सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अगर उनको आपका कंपनी दिखाई देगा
फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप गारमेंट एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आप एक्सपोर्ट कंपनी है, तो आपने आपका कंपनी का नाम लिस्ट कर लिया, आपका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिस्ट कर लिया, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका वेबसाइट को लिस्ट कर लिया, कुछ प्रोडक्ट का फोटो लिस्ट कर लिया। अगर कोई कंपनी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी अगर टेक्सटाइल या गारमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं, इन्हीं साइट में आकर रजिस्टर करके वो सर्च करते हैं हु आर द एक्सपोर्टर्स इन चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज। सो एशिया का जितने सारे बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स है गारमेंट्स टेक्सटाइल का, वो है चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, ये जो कंट्रीज है इन्हीं कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जितने सारे इंपोर्टर्स है बायर्स है इन्हीं कंट्रीज़ में ढूंढते हैं एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स ढूंढते हैं। इसलिए कोई भी बायर और इंपोर्टर जैसे ही आकर इसी साइट में जाकर सर्च करेगा, अगर आपने लिस्टिंग किया हुआ हो तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा लिस्ट में, आपका वेबसाइट में जाएगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज में दिखेगा और अगर इंटरेस्ट होगा फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा थ्रू योर वेबसाइट कॉन्टैक्ट अस पेज। इसीलिए आपका प्रोडक्ट जितने सारे प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ आपका वेबसाइट में ऐड कर लीजिए। जैसे कि आपने flipkart.com या amazon.in में जाइए, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, उस प्रोडक्ट का 15-20 फोटोज़ आपको दिखाई देगा और वीडियोज़ दिखाई देगा, फिर कस्टमर इंटरेस्ट हो के बाय करते हैं। वैसे ही आपका वेबसाइट में 15-20 फोटोज़, एक प्रोडक्ट का 15-20 फोटोज़ उसका जो फ्रंट, बैक और साइड में अलग अलग पोजीशन में फ़ोटो लेकर उस प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग मालूम है तो वीडियो, उस प्रोडक्ट का वीडियो लेकर भी ऐड कर लीजिए। करने के बाद जैसे ही आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फोटोज एंड वीडियोज देखेगा बायर्स और कस्टमर्स इंपोर्टर्स, वो इंटरेस्टेड होगा और फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सारे वेबसाइट्स मैं आपको बताते रहता हूँ उन वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आपका कंपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने लगेगा। ऑल्सो जितने सारे कंपनी का वेबसाइट मैं आपको बता दिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स और येलो पेजेस, अभी का जो बता दिया बिजनेस लिस्टिंग साइट्स है जैसे दिखा दिया, इन्हीं साइट में आप रजिस्टर करने के बाद एक बार अप्रूव होने के बाद आप इन्हीं साइट में बायर्स ढूंढिए, हु आर द बायर्स। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो तो आप ढूंढिए कौन है फ्रूट वेजिटेबल इंपोर्टर्स, इन्हीं साइट में मिलेगा। इसमें आप कॉन्टैक्ट करके उनको कॉन्टैक्ट करके ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।